क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ, क्या था, चलें बताए ना जरा जब एक बताइएगा नहीं आपने जरूर यहाँ से क्या करना आप चलें नहीं और हम काफी लंबा सफर करके आई थिंक वेस्ट इंडीज जाना भी कोई आसान काम नहीं है काफी लंबा सफर करके जमैका पहुंचे मुझे तो शहर का नाम भी भूल गए जहाँ पे हम गए मोटेंगो बे तो मोंटेगो बे तो वहाँ पे जाके अब डेढ़ दिन से हम सफर में थे तो हमने कहा शावर वगैरह लेके रिफ्रेश होते तो मैं किसी भी हॉरर मूवी की तरह बड़े आराम से शावर में गया हूँ शावर लिया हॉट शावर लिया तो ऑब्वियसली स्टीम हो जाती है रूम वॉशरूम में तो देखा तो जब मैंने शावर कंप्लीट किया कर्टन हटाया तो सामने देखा तो ब्लड लिखा ब्लड अब वो उस टाइम पे मुझे बॉब वुल्मर भी याद आ गया सारे कुछ याद आ गया कि ये जमैका में कुछ हुआ था तो ऑब्वियसली उस टाइम कुछ समझ नहीं आई उसी तरह ही भागा मैं और उसके बाद मैंने फोन किया उस रिसेप्शन पे कि जी इट्स अर्जेंट आई एम स्केर्ड सो प्लीज सेंड समवन तो उनकी जो बोली है वो भी कुछ समझ आने वाली नहीं है हाँ तो उन्होंने कुछ कहा को मैं क्या नो मैटर व्हाट सेंड समवन जो भी कहे ठीक है आया उनका कोई बंदा उसने आके खोला उसने कहा या मान तो मैंने कहा दिस इज द प्रॉब्लम दैट ब्लड इज रिटन ऑन माय mirror on my mirror and he said which mirror I said washroom mirror I said really blood no it's written not blood but blood is written on the mirror so by that time jo hai na wo steam khatam ho gayi thi to blood gayab ho gaya ab main ye mera mazak udayega ye na ho ke dobara blood banega to wo khola jab dobara se maine kaha ek se steam dobara karte hain steam dobara ki to sugar blood aa gaya dobara okay acha sir ek aur cheez ड्रेसिंग रूम की डिस्कशंस के बारे में सब जानना चाहते हैं जो पहला मैच था हारने के बाद कौन सबसे ज्यादा डिप्रेस था कौन ऐसा था जो आपको लगता था ये हमारी टीम का मोटिवेशनल पावर